चलिए उपाय आइटम देते हैं लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो हमें इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध बताता है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सर्किट भी कर सकते हो। इतना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो संबंध बताता है, दैट शोज द रिलेशन, जो संबंध बताता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। दूसरी बात लॉजिक केंद्र लॉजिक है। दूसरी बात यहां पे बुलियन अलजेब्रा का यूज किया जाता है लॉजिक। किस अलजेब्रा का? बुलियन अलजेब्रा इज यूज इन लॉजिक गेट। तो बुलियन अलजेब्रा में दो ही नंबर का यूज किया जाता है, जीरो का और वन का। दूसरी बात ऑनली टू डिजिट, मात्र दो डिजिट जीरो एंड वन आर यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट के लिए भी एंड आउटपुट के लिए हम पूछेंगे इनपुट आउटपुट के लिए कौन सा अंक का प्रयोग करेंगे, कितने संख्या? दो। ऑनली टू डिजिट जीरो एंड वन आर यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट। तीसरी बात, किसी भी लॉजिक गेट में इनपुट की संख्या एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होगा, चाहे वो लॉजिक गेट कुछ भी क्यों ना हो। सभी लॉजिक गेट में आउटपुट की संख्या एक होती है। बात समझ में आ गया? यहां पे आपने देखा कि हम बता रहे हैं लॉजिक गेट दो प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट कितने प्रकार के? दो प्रकार। पहला यहां पर मेन गेट, मेन गेट का दूसरा नाम है बेसिक गेट, और दूसरा हमारा है मिक्स गेट। दूसरी बात, हमारा जो मेन गेट है वह तीन प्रकार के नहीं बोलना आपको, और एंड नॉट। मिक्स गेट बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसका एग्जाम्पल दिए। नॉर हमको सिलेबस में पढ़ना है और नैन बोर्ड का सिलेबस है, जॉर भी होता है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ना है नॉर और नैन। जॉर अक्षर भी है इंटरेस्टिंग। पासवर्ड लिखते चले, हाँ कैपिटल में ही देखना है, स्मॉल में नहीं। तीसरी बात, फर्स्ट बात, मेन गेट जो भी होगा वह किसी दूसरे गेट पर निर्भर नहीं करता, लेकिन जो मिक्स गेट होगा वह मेन गेट पर निर्भर करता है। मेन गेट किस पे निर्भर करेगा? किसी दूसरे गेट पर निर्भर नहीं करता है। तो आप यहां पर लिख लें मेन गेट लिखे डैश, ऊपर में एडिंग गेट है। नंबर वन कौन सा गेट है? मेन गेट में कौन है? आर गेट। आर गेट में लिखे किसी भी लॉजिक गेट के बारे में चार चीज की जानकारी हमको चाहिए एग्जाम के लिए। कितनी चीज? पहला उसका होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग और गेट कैसा था, मेन था कि मिक्स था? तो पहली बात लिखो और गेट इज द मेन गेट या बेसिक गेट, एक ही बात हो गया। मेन गेट बोलो या बेसिक गेट बोलो, इसमें इनपुट की संख्या दो होगी, कभी कभी दो से ज्यादा भी होगी। तो इट आज टू आउट मोर देन टू इनपुट एंड
वन आउटपुट है, इसमें इनपुट की संख्या दो होगी या दो से अधिक होगा। तीसरी बात, इंट्रोडक्शन के बाद हमारा था सिंबल, क्या आता है सिंबल जब बनाएंगे और गेट का, ये हम लोग थोड़ा सा कर्व लाइन लेंगे, सीधा नहीं लेंगे, ऐसे सीधा नहीं लेना है, सीधा लोगे तो गलत हो जाएगा, आपको कर्व लाइन लेना है। कैसा लेना है, देखिए कर्व लिए और ऐसे करके लॉलीपॉप बना, लॉलीपॉप बन गया, लॉलीपॉप में डंडा दो लगा देंगे, चूसने वाला एक लगा, होगा। यहां पे हमारा इनपुट है ए और बी, आउटपुट हमारा है वाई, वाई बराबर होता है ए प्लस बी। कोई पूछे और गेट का आउटपुट का सूत्र क्या होता है, वाई बराबर ए प्लस बी, वाई बराबर ए प्लस बी। ये सीधा लेना कि कर्व लेना है, नीचे लिख लो वेयर ए को कहेंगे इनपुट, बी को भी इनपुट और वाई को आउटपुट कहते हैं। नीचे लो दो, आता है बूलियन एक्सप्रेशन, हल्ला न करे, क्या आएगा बूलियन, साइंटिस्ट है मैथमेटिशियन है, बूलियन वाई बराबर ए प्लस बी जो है यही कहलाता है बूलियन एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला हुआ और गेट का। तो वाई बराबर क्या लिखोगे, आपको बिहार बोर्ड में पूछेगा राइट द सिंबल ऑफ और गेट, ये बनाकर छोड़ देंगे, राइट द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट, वाई बराबर ए प्लस बी लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये दे देगा, पूछेगा किस गेट का ये एक्सप्रेशन है और गेट का, फिर लिखो, लिखते चलो ए बराबर इनपुट, बी बराबर इनपुट, वाई बराबर आउटपुट, ए इनपुट बी इनपुट, वाई क्या हो गया आउटपुट हुआ। अब हमारा लास्ट में आता है ट्रुथ टेबल, क्या आता है ट्रुथ टेबल, किसका ट्रुथ टेबल, और गेट का ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट, और गेट में हमेशा कैपिटल देना है, स्मॉल नहीं देना है। सारे बच्चे बोर्ड को देखेंगे, ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट, सबसे पहले हम एक वर्गाकार जो है एक बॉक्स तैयार करना है, देख दो पहले समझ लो, अभी नहीं लिखना है, वर्गाकार बना दिए, मैं आपको पूरा टाइम अभी दूंगा, पहले सुन लीजिए सभी बच्चे, वर्गाकार बना दिए हमारे पास, देखो हम रफ कर रहे हैं, ये रफ है, हमने आपने देखा कि अभी जो हमारा इनपुट क्या हुआ था, इनपुट क्या हुआ था, एक इनपुट के दो वैल्यू होते हैं, जीरो भी वन भी, फिर इसका जीरो भी वन भी। अभी अभी आपने लिखा है कि इनपुट को जीरो और वन से डिनोट करेंगे, तो ये जो इनपुट है इसका कितने वैल्यू हो सकता है, अब बी इनपुट का भी, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास दो इनपुट है और एक क्या है आउटपुट है, देखो ए इनपुट एक लाइन, जैसे लाइन खींचते पहले वैसे, बी दूसरा लाइन, वाई वाई बराबर क्या होगा, इसको अंडरलाइन कर देंगे, सुन लीजिए पहले ए का वैल्यू देखो, ये पेयरिंग कर रहे हैं जीरो को, पहले आप इतना तक काम कीजिए, पहले इतना तक कीजिए, यहां ए बी और क्या है, सुन लो ए का जो वैल्यू होगा वो जीरो वन होगा, बी का वैल्यू भी होगा जीरो वन। अब देखो ए और बी का पेयरिंग करके लिखेंगे, इस जीरो देखो जीरो का जीरो के साथ पेयर होगा तो बन जाएगा जीरो जीरो, फिर जीरो का इस वन के साथ होगा तो जीरो वन, देखते रहिए पहले समझिए, फिर जीरो की कहानी खत्म हुई, अब इस वन के साथ, वन का जीरो के साथ होगा वन जीरो, फिर वन का वन के साथ होगा वन वन। अगर आप ये समझ चुके हो तो ठीक है, नहीं समझो एग्जाम के लिए तैयार रखिए, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, सभी लॉजिक गेट में यही फिक्स वैल्यू है, याद हुआ yeah।
क्या याद करो, जब भी लिखोगे एक बार और समझ लो, यहां देखो, जब भी यहां लिखो तो एक साथ सात शून्य जीरो 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 वन वन जीरो वन इतना नोट करें। अब आप गौर से सुनिए, y बराबर a प्लस बी है, y बराबर a प्लस बी है, y निकालने का तरीका है a और b को क्या करो, तो बूलियन एक्सप्रेशन में रूल है वन प्लस वन वन ही होता है, लेकिन सिंपल मैथ में वन प्लस वन टू होता है, वन प्लस वन कितना होगा वन, वन प्लस वन यहां पर देना है, जीरो को जीरो में जोड़ोगे तो कितना होगा जीरो प्लस वन, वन प्लस जीरो वन प्लस वन, ये आपको और गेट की यहां काम ही खत्म हो गया, समझ में आ गया होगा जल्दी, ये आप पहले इनपुट लिख लेंगे उसके बाद में आपको वाई लिखना है, ऐसा नहीं कि तीनों साथ लिख रहे, हो गया समझ में, चलिए इसकी कहानी खत्म होती है, हमारा दूसरा नंबर पे आता है एंड गेट, आपको नहीं पूछेगा वो, आपके सिलेबस में ही दो है, सदा दूसरी बात है आपको एंड गेट पढ़ना है, एंड गेट में इंट्रोडक्शन चलना है, ये भी हमारा मेन गेट है कि मिक्स गेट है, तो यहां भी लिखे इट इज द मेन गेट नॉट एंड गेट इज द, एंड गेट इज द मेन गेट, दूसरी बात है इसमें भी इनपुट की संख्या दो या दो से अधिक हो सकता है, इट हैज टू और तीन वाले जिस पर सीखना बाद में पूछ लेंगे, मोर देन टू इनपुट आउटपुट की संख्या कितनी होगी, हमेशा आउटपुट कितना होगा, चाहे लॉजिक गेट कुछ भी हो हमारा आउटपुट हमेशा एक ही होगा, तीसरी बात इसका सिंबल पढ़ना लो, अब आसान हो गया सभी के, पहला सीख गया अभियान लो, उसमें लॉलीपॉप कर बनाया था इसमें सीधा बना दो और ऐसे डी शेप में बना दो, दो इनपुट ए बी हो गया एक आउटपुट होगा, वहां वाई बराबर ए प्लस बी का यहाँ ए इंटू बी होगा, वहां पे जोड़े थे और गेट में और यहां पे मल्टीप्लाई करना है, फिर यहां लिखो वेयर ए बराबर इनपुट बी बराबर बी इनपुट वाई बराबर आउटपुट, ए इनपुट बी इनपुट वाई क्या हुआ आउटपुट हो गया, आपको परीक्षा में बार बार दो नंबर पूछेगा, राइट द सिंबल ऑफ एंड गेट, सिंबल ये लिख देंगे इसके नीचे में हो गया दो नंबर आ गया, या ये दे देगा फिगर में कहेगा एमसीक्यू में किस गेट का फिगर है, आप कैसे समझोगे यहां पर सीधा रहता है, ठीक है, कभी कभी यहां पर देखो डायरेक्ट सी लिख देगा ए बी डायरेक्ट क्या हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई को आउटपुट को वाई लिखो सी लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीसरा नंबर पे क्या आता है बूलियन एक्सप्रेशन आता है, तो तीसरे नंबर पर लिखे बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन आप फॉर्मूला को करते हो ना, ये क्या आ गया वाई बराबर ए इंटू डी, फिर यहां पर आप लिख दीजिए वेयर, अच्छा आप लिख दीजिए वेयर ए बराबर इनपुट बी हो जाएगा इनपुट, परीक्षा में किसी तरह से कमी नहीं कीजिए, वाई बराबर आउटपुट, आउटपुट को हम लोग ए इंटू बी भी तो लिख सकते हैं ना, वाई बोलो आउटपुट, समझ में आ गया होगा, चलिए लास्ट में क्या है, लास्ट में ट्रुथ टेबल है, जल्दी कीजिए ट्रुथ टेबल,
किसका? ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। इनपुट क्या वो दिखाई दिए थे? ध्रुव ना। फिर देखिए वर्गाकार बॉक्स बनाइए। अरे देखिए आप लोग गलती करते बॉक्स बनाने पर, हमारी बात का पालन नहीं करके अपने मन से बनाते रहते हैं। पहले बॉक्स बनाइए, बड़ा तरीका सीखिए। और यहां पर क्या देंगे? पहले लाइन खींच दीजिए, वर्टिकल लाइन। फिर क्या देंगे? फिर क्या देंगे? y बराबर a इंटू बी। हॉरिजॉन्टल लाइन से क्रॉस कीजिए, इतना ही तक कीजिए। हो गया। ये इनपुट क्या क्या है? तो दो लाइन में होगा। याद देखो लाइन खींचो जल्दी, अगर कॉपी लाइन वाली है तभी दोबारा लाइन खींचना पड़ेगा। याद देख लो, जीरो जीरो करोगे, जो ये जीरो जीरो किया अंडरलाइन खींचो, जीरो वन अंडरलाइन खींचो, वन जीरो अंडरलाइन खींचो, वन वन। यहाँ पे लाइन खींचा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे लाइन है, समझाते था कभी। हो गया। अब देखो रूल क्या लगेगा, ए प्लस बी के इंटू बी, अब गुना कर दो, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू वन, वन इंटू जीरो, वन इंटू वन। यहां से कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब तीसरा हमारा बचा नॉट गेट। चलिए तीन नंबर गेट, सारे बच्चे ने उतार लिया ये। तीसरा नंबर लिखो नॉट गेट, ये भी हमारा मेन गेट है नहीं ये जी। चलो इंट्रोडक्शन पहले चलो, हल्ला ना करें इसको। पहली बात, नॉट गेट इज द मेन गेट। दूसरी बात, नॉट गेट का दूसरा नाम उल्टा गेट, इन्वर्टेड गेट है। नॉट गेट इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टेड गेट। दूसरी बात, नॉट गेट में यही एक गेट है जिसमें एक ही इनपुट है। इट हैज ओनली वन इनपुट, और सभी में दो या दो से अधिक है। इट हैज ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट, तो सभी में एक ही था। इसका सिंबल देख लो, सिंबल में ऐसे सर्कल लगाओगे, ट्रायंगुलर, और यहां पे सर्कल जोड़ दोगे। ए दे दो, इनपुट हो गया y बराबर a डैश। इनपुट में ऊपर में डैश लगा दोगे तो नॉट गेट का एक्सप्रेशन हो जाएगा। यहां अगर b है यहां b डैश हो जाएगा। फिर लिखो वेयर a क्या है? इनपुट। y क्या है? आउटपुट है। एक इनपुट है और एक आपका आउटपुट है। ए बराबर इनपुट, वाई बराबर आउटपुट। सिंबल के बाद हमारा आता है बूलियन एक्सप्रेशन। सब बूलियन एक्सप्रेशन भी आप जानते हो, सब आसानी है। बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? वाई बराबर ए डैश। फिर लिखो वेयर ए हो जाएगा इनपुट, वाई हो जाएगा आउटपुट। फिर हमारा लास्ट में क्या बनेगा? ट्रुथ
टेबल ऑफ आर गेट सॉरी ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट क्या वो इनपुट है एक ही है ना ये सबसे छोटा गेट है देखो इसलिए छोटी सी आशाएं उसमें दो घर है एक इनपुट रहेगा वाई बराबर ए डैस यहां देखो आपको बताया था इनपुट का वैल्यू क्या क्या हो सकता है जीरो और इसमें तो बी है नहीं तो जोड़ा तो लगेगा नहीं तो सीधे ए का वैल्यू जीरो है एक बार वन जीरो और वन जीरो और ये खाली रखना भी थोड़ी देर सांस लेना लिखने के बाद थोड़ी देर सांस को रोक लेगा फिर इसको ज्यादा देर नहीं रोकना है ठीक है यहां देख लो हमने ए लिखना रे अंडरलाइन खींचा बउआ जीरो का उल्टा अरे जीरो माने होता है नो वन माने होता है यस तो नो का मतलब होता है यस यस का मतलब होता है नो उल्टा तो जीरो जब रहे इनपुट तो आउटपुट वन हो जाएगा और वन रहे बस शांत रहे इस तरह से हमारी मेन गेट की कहानी खत्म होती है कल हम लोग प्रवेश करेंगे मिक्स गेट में अभी रुके रहेंगे तब तक रुके रहे कल के लिए फिर अभी से रुके रहे।